हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में मक्का के गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण बताया जाएगा, जो कि हर एक स्टेट एग्जाम के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप लोगों को इसके वर्गीकरण कितने हैं इसको याद करने का ट्रिक भी बताया जाएगा। तो इसके हेडिंग बताया दिखाया जाएगा कि मक्का का गुणों के आधार पर वर्गीकरण कितना होता है। तो पहले हम आपको एक बार इसका पढ़कर रेटिंग करा देते हैं, इसके बाद याद करना थोड़ा कोशिश करते हैं। चलो, मक्का के गुणों के आधार पर वर्गीकरण, फर्स्ट है जियामेस इंडो डेटा, सेकंड है जियामेस इंडियन डेटा, हमारा थर्ड है जियामेस सेके डेटा, फोर्थ हमारा जियामेस इवर्टा, फिफ्थ है जियामेस हिमालयेशिया, सिक्स्थ है जियामेस ट्यूनिकाटा, जियामेस सेरेटिना। इसका किस्मों के बारे में बताया गया है, संकर किस्में, संकुल किस्में है क्या। चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं जियामेस इंडोरेटा। जियामेस इंडोरेटा को फिलेंट कॉर्न भी कहते हैं, जो कि इसका जो है जियामेस इंडोरेटा जो वराइटीज होती है, तो इसकी खेती सर्वप्रथम जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। यदि पूछा जाए कि हमारे भारत में किस जियामेस की जो है सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में खेती होती है, तो इसका आंसर है जियामेस इंडोरेटा। जियामेस इंडोरेटा की खेती सर्वाधिक जो है हमारे भारत में होती है, इसे फिलेंट कॉर्न भी कहते हैं। याद करने का सबसे आसान तरीका है इंडोरेटा फिलेंट, याद करने का जियामेस इंडोरेटा को क्या कहते हैं, फिलेंट कॉर्न, फिलेंट कॉर्न कहते हैं इंडोरेटा फिलेंट, याद हो गया। जियामेस आप लोग हमारे साथ दोहराइएगा, रिविजन कीजिएगा, जियामेस इंडोरेटा को फिलेंट कॉर्न भी कहते हैं, इंडोरेटा फिलेंट कॉर्न। सेकंड है जियामेस इंडियन डेटा, इंडियन डेटा यहाँ लिखा है जियामेस इंडियन डेटा को इसे डेंट कॉर्न भी कहते हैं, इंडियन डेटा, ये इसका आखिरी शब्द, इसका फर्स्ट शब्द देखिए डेंट कॉर्न, कुछ मिल जुल रहा है इसे आप याद कर लीजिएगा, जियामेस इंडियन डेटा को डेंट कॉर्न भी कहते हैं, अर्थात जो इसकी दाना होती है पूरे हमारे जो दांत के साथ पूरी तरह कठोर होती है, इसी तरह इसको डेंट कॉर्न भी कहते हैं। इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, सर्वाधिक खेती इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। जियामेस सेकेरेटा, जियामेस सेकेरेटा को और क्या कहते हैं, इसे सूट कॉर्न भी कहते हैं। अब देखिए सेकेरेटा, सेकेरेटा सरकरा से कुछ ऐसे अनुभव हो रहा है, सेकेरेटा सरकरा से यानी कि स्वीट, इसे स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। जियामेस सेकेरेटा को क्या कहते हैं, इसे स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। अब इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, डिब्बा बंदी के लिए उपयोग होता है, यानी कि यदि हमें किसी जियामेस की डिब्बा बंदी करनी है तो हम इसको जियामेस सेकेरेटा को जो है खेती करेंगे, जो कि बहुत ही उपयुक्त है। इसकी दो वराइटीज होती है फ्रिया माधुरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसकी दो ऐसी वराइटी है जो जियामेस सेकेरेटा की है, फ्रिया और माधुरी। जियामेस इवर्टा, इवर्टा को कहते हैं पॉपकॉर्न कहते हैं, इसको चिप्स बनाने के काम आता है। देखो इवर्टा में चेंज हो जाना, इवर्ट हो जाना, चेंज क्या होगा तो पॉपकॉर्न में चेंज हो जाएगा, चिप्स में चेंज हो जाएगा, इसको याद करने का आसान तरीका है जियामेस इवर्टा को क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न कहते हैं, चिप्स बनाने के काम आती है। जियामेस हिमालयेशिया, हिमालयेशिया सॉफ्टकॉर्न कहते हैं, सॉफ्टकॉर्न को कहते हैं इसे आटा बनाने के काम भी कहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, तो हिमालयेशिया लासा लेशिया ना लेशिया बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका जो उपयोग अधिकतर क्या बनाने में करते हैं तो आटा बनाने के काम में आता है। जियामेस ट्यूनिकाटा, ट्यूनिकाटा इसे पॉडकॉर्न में कहते हैं, यह सबसे प्राचीन किस्म है। पूछा जाए कि उपरोक्त में से सबसे प्राचीन किस्म कौन सी है तो आप क्या कहोगे, जियामेस ट्यूनिकाटा टोन, टोन क्या तुम्हारा सबसे पुराना है, यानी कि सबसे प्राचीन किस्म हमारा क्या है, जियामेस ट्यूनिकाटा। जियामेस सेरेटिना, अब देखो वैसी सेरेटिना कॉर्न वर्डिंग कॉर्न कहते हैं, जियामेस सेरेटिना को क्या कहते हैं, वैसी कॉर्न कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह होती है जियामेस सेरेटिना की, यह स्टार्च उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, साबुदाना के समान होती है। इसकी वराइटी चलो इसको दो प्रमुख भाग मान लेते हैं, संकर किस्म में हाइब्रिड वराइटी, एक संकुल किस्म में कंपोजिट वराइटी होता है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपको। गंगा टक्कर 103, रणजी, हाई स्टार्च, गंगा सफेद 2 या मक्का की कौन सी हाइब्रिड किस्म है कि कंपोजिट वराइटीज है, तो क्या कहोगे संकर किस्म है। गंगा आप लोग रिव्यू कीजिए, गंगा वाम, डक्कन 103, रणजी, हाई स्टार्स, गंगा सफेद 2 या क्या है संकर किस्म है। संकर किस्म क्या है, अंबर, किसान, सोना, तरुण, नवजोत, प्रताप, माही कंचन, माही धवन, ये क्या है संकर किस्म है। ये जो दो वराइटियां है आपकी माही कंचन माही धवन या राजस्थान से ही निकाली गई है। कौन सी वराइटी, माही कंचन माही धवन। अच्छा ये माही कंचन माही धवन है क्या, ये संकर किस्में है। माही कंचन माही धवन क्या है संकर किस्में है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट रहा, आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। धन्यवाद।